इन एट जीरो फाइव माइक्रो प्रोसेसर इफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज फाइव मेगा हर्ट्स एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन इज वन पॉइंट फोर माइक्रो सेकेंड्स द नंबर ऑफ पॉसिबल टी स्टेट्स आर हेलो फ्रेंड्स दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम गेट टू थाउजेंड सेवेंटीन ई सी ब्रांच माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव पे बेस्ड ये क्वेश्चन है

इस तरह की स्क्वायर वेव फॉर्म होती है जनरली सो so, पे एक ही चीज आपको समझना यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टी स्टेट बेसिकली है क्या टी स्टेट जो है किसी भी एक साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है दैट कैन बी कॉल्ड एज वन टी स्टेट सो ये कॉन्सेप्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन में कि टी स्टेट क्या होता है टी स्टेट जो है एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं टी स्टेट इट मीनस अगर दो साइकिल होंगे तो दो टी स्टेट होंगे एंड सो ऑन सोन आपको यहां कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टी स्टेट्स मींस कितने साइकल्स ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कंज्यूम कर रहा है सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सो so, डेटा जो आपको गिवन है प्रोसेसर 8085 की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज फाइव मेगा इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 मेगाहट इट मींस टाइम पीरियड

Total number of cycles is equal to total number of T state will be equal to 1.4 microsecond divided by 0.2 microsecond, and the answer will be 7, and this will be your final answer. Thanks.